हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। आई होप आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का वीडियोस देख लिए होंगे। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले कि क्या नीड है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो बेसिकली हमारे जो भी गुड्स होते हैं जिसमें हमको कस्टम पे करना पड़ता है, चाहे वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तब या चाहे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी जो उस आर्टिकल या उस गुड में लगेगा उसके बारे में पता रहेगा। तो बेसिकली क्लासीफिकेशन होता कैसे है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है, उसमें दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल्स में वो गुड्स जो कि लाइबल टू इंपोर्ट ड्यूटी होता है उसके बारे में लिखा, उस वो गुड्स रहते हैं। एंड सेकंड शेड्यूल में जो भी गुड्स हम जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगते हैं वो लिखे रहते हैं। ठीक है, ये जो कस्टम टैरिफ है ना, इसी हमारे एसएन कोड के हिसाब से रहता है, दैट इज़ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये वाला हमने आईपीसीसी में भी सर्विस टैक्स एक्साइज टैक्स सब में पढ़ा था। तो बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए हार्मोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, मतलब जिसको हम हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है नेम एंड नंबर का फॉर क्लासीफाइंग जो भी प्रोडक्ट्स को, उस प्रोडक्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मेंटेन बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन ही होता है। मतलब हर एक आर्टिकल का, हर एक गुड्स का कुछ एक नंबर, नाम और नंबर होता है, उसके बेसिस में हम उस ग्रुप में उस प्रोडक्ट को डालते हैं एंड देन हमको रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी के बारे में पता चलता है। बाद में हम अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस कस्टम टैरिफ में ना रूल्स हैं, कुछ एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो बेसिकली 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, वो 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अब ये यहाँ पे हमको रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्यों दिया गया है, जिससे कि हम क्लियरली हमको क्लियर डायरेक्शन मिले कि कैसे ये नोमेनक्लेचर होता है शेड्यूल में, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जो भी शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में सपोज इंपोर्ट के आइटम्स लिखे तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा कि कौन सा गुड्स कौन से आपके हेडिंग में आ जाएगा, कौन से सब हेडिंग में आ जाएगा, क्या रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगेगा। ये सब हमको बेसिकली यही दो चीज़ बताते हैं, दैट इज रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ में कैसे क्या क्या रहते हैं, तो उसमें 98 चैप्टर्स हैं जो कि 21 सेक्शन के अंदर हैं। ठीक है, उसमें सबसे अब यहाँ पे आप बताते हैं चैप्टर्स किसको बोलते हैं, सेक्शन किसको बोलते हैं। तो सेक्शन बेसिकली पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स को अगर हम एक में डाल दें, एक एरिया में डाल दें, तो उसको हम सेक्शन बोलेंगे। और वन क्लास के गुड्स को अगर हम डाल दें एक में, तो चैप्टर, तो इस सेक्शन को हम डिवाइड, मतलब एक सेक्शन को हम वेरियस चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, सब चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नोट्स, दे आर मेंशन एट द बिगनिंग ऑफ द ई चैप्टर, ई चैप्टर के बिगनिंग में हमको मेंशन करना है और वो स्टेट्यू का पार्ट है, हेंस दे हैव द लीगल अथॉरिटी। ये सब एक बार जस्ट रीड करना है आपको। हेडिंग में क्या होता है, सब चैप्टर का, ई चैप्टर और सब चैप्टर का फर्दर हेडिंग होता है और हेडिंग को अगेन फर्दर हम सब हेडिंग में डिवाइड करते हैं। अब आते हैं जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो इसमें बेसिकली तीन है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। पहला वाला पढ़ते हैं, दैट इज रिलेवेंट ऑफ 1-2-। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ। ये रहा, ये देखो, ये है हमारा 1-, ये है 2-, और फर्दर यहाँ पे 3-s भी हैं और यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है बट 4-s भी होते हैं। तो मैं आपको यहाँ से अभी क्लियर करते हैं कि क्या डैश सिस्टम क्या होता है। तो ये जो 1- होता है ना, वो आर्टिकल या ग्रुप ऑफ आर्टिकल शैल बी टेकन इनटू सब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल कवर बाय द सेट हेडिंग। तो जैसे यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, कोकोनट ब्राज़ील नट्स एंड कैश्यू नट्स। ठीक है, अब इसके सब हेडिंग में हमारा, ये हमारा हेडिंग है, उसका सब हेडिंग है हमारा कोकोनट, तो उसको हम डिनोट करेंगे 1-। अब इस कोकोनट का अगेन सब हेडिंग है ये डेसिकेटेड, अब इसको हम डिनोट करेंगे 2 से। मतलब सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है, हमारा एचएसएन कोड है 0801, उसमें हमारे कोकोनट ब्राज़ील नट्स वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोकोनट ब्राज़ील नट के अंदर कोकोनट ब्राज़ील नट के अंदर पढ़ें, तो सबसे पहले कोकोनट्स आते हैं। अब कोकोनट्स के क्या टाइप है, डेसिकेटेड है, इनर सेल है, फ्रेश है, ड्राइड है, अदर्स है। ठीक है, अब ये कोकोनट फर्स्ट वाला, अब यहाँ पे डेसिकेटेड से फर्स्ट वाला हुआ, उसके बाद कोकोनट के अंदर सेकंड हेडिंग सब हेडिंग है, दैट इज अदर्स। अदर्स में हमारा फ्रेश है, ड्राइड है, अदर्स है, ऐसे ही है हमारा डैश सिस्टम। तो सिंगल डैश हमको बताता है कि हमारा जो आर्टिकल है उसका, मतलब जो भी सब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल या ग्रुप जो कि कवर बाय द सेट हेडिंग है। एंड डबल डैश हमको ये बताता है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द आर्टिकल, ग्रुप ऑफ आर्टिकल का हमको डबल डैश बताते हैं। मतलब सिंगल डैश का सब हेडिंग है हमारा डबल डैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एब्रीविएशन ऑफ परसेंट, यहाँ पे हमको देखो ये सब जो परसेंट है, तो ये पूछ रहा है बेसिकली परसेंट मतलब क्या हुआ है। तो ये परसेंट मतलब इतना रेट ऑफ हमारा कस्टम ड्यूटी लगेगा। द एब्रीविएशन इन एनी कॉलम ऑफ द शेड्यूल इन रिलेशन टू द रेट ऑफ ड्यूटी मीन्स द ड्यूटी शैल बी कंप्यूटेड एट द परसेंटेज स्पेसिफाइड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एज डिफाइनिंग सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कस्टम एक्ट।
ठीक है, ये हमारा परसेंट के हिसाब से उतना लगेगा। और उसका स्टैंडर्ड रेट और यहाँ पे प्रिफरेंशियल रेट है, दो रेट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट होता है और एक प्रिफरेंशियल रेट होता है। तो बेसिकली कुछ कुछ आइटम्स के लिए ही प्रिफरेंशियल रेट मेंशन किया जाता है, और मतलब जनरली हम स्टैंडर्ड रेट देखते हैं। अगर स्टैंडर्ड रेट बट अगर प्रिफरेंशियल रेट मेंशन है तो हम प्रिफरेंशियल रेट लिखेंगे, जो कि हम फर्दर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रिफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी नहीं है तो हमको स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी देखना है। और स्टैंडर्ड रेट हमारा कॉलम फोर में आता है भाई, याद रख लेना, हमारा कॉलम फोर में हमारा स्टैंडर्ड रेट है एंड कॉलम फाइव में हमारा प्रिफरेंशियल रेट है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन से समझाया गया है। तो बेसिकली जो कॉलम वन है हमारा, वो टेरिफ आइटम के बारे में बताते हैं, ये हमारा टेरिफ आइटम है। सेकेंड हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है। थर्ड हमारा यूनिट है, किस यूनिट पे हम मेज़र कर रहे हैं कोकोनट को, कितना यूनिट में कितना केजी में अपने को कस्टम ड्यूटी लगेगा, ये सब है। और फिर स्टैंडर्ड रेट है एंड प्रेफरेंशियल एरियाज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी को रेफर करें तो यहाँ पे वही बताया कि जो यूनिट है वो फर्स्ट कॉलम थ्री ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ में बताया गया है। तो बेसिकली हमको मतलब कंपेयर करने के लिए देता है, यूनिट मेज़र करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन यूज़ होता है, अगर सी सी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर सी एम मतलब सेंटीमीटर, ऐसे इन लोग एब्रीविएशन में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आपको कॉमन पैलेंस थ्योरी लिखाया है। कॉमन पैलेंस थ्योरी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे दिया नहीं है बट कुछ कुछ बुक्स में है कॉमन पैलेंस थ्योरी के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिस मतलब अब सपोज़ आप समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये वो आइटम्स होते हैं जिसको हम ऐसे जज करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टूथ पाउडर, ठीक है, उसको अपन क्यों यूज़ करते हैं, एज अ टूथपेस्ट ही यूज़ करते हैं, इन सब्स्टिट्यूट ऑफ टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो टूथ पाउडर को हम टूथपेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो कॉमन पैलेंस थ्योरी में क्या होता है कि हमको उस आइटम को जज करना है या एनालाइज करना है ऑन द बेसिस कि वो कैसे यूज़ हो रहे हैं हमारे मार्केट में, ठीक है। तो पीपल उनसे कैसे डील कर रहे हैं उसके बेसिस में हमको कॉमन पैलेंस थ्योरी से डिसाइड करना है। उसके बाद बहुत सारे अदर भी इंटरप्रिटेशन रूल है, जैसे कि अगर आपको कोई वर्ड का मतलब जानना है तो आपको डिक्शनरी मीनिंग रेफर करना है, ना कि आपको विकीपीडिया में जाके, विकीपीडिया के इतना ऑथेंटिक नहीं है जितना ऑथेंटिक आपको डिक्शनरी मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद CBIC सर्कुलर्स भी देख सकते हैं अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है तो, और HSN के कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो दे सकते हैं, ISI स्पेसिफिकेशंस, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। ये सब कुछ अदर हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको शेड्यूल में जो भी आइटम्स है उसको अगर आपको इंटरप्रेट करना है तो। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज़ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे अगेन छह रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो भी हम आइटम्स को सेक्शन और उनके चैप्टर्स उनके टाइटल्स में डिवाइड करते हैं वो जस्ट फॉर आर क्लैरिफिकेशन, हमको कैसे रेफर कर ईजिली हम उसको रेफर कर पाएँ उसके लिए करते हैं, लीगल पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं। लीगल पर्पज़ के लिए हम क्या देखेंगे, हेडिंग का टर्म देखेंगे उनके, ये सब मतलब फॉर लीगल पर्पज क्लासिफिकेशन शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ द हेडिंग्स, उनके रिलेटिव सेक्शन और उसके हिसाब से देखेंगे। बट ये जो सेक्शन है, टाइटल का सेक्शन है, उनके चैप्टर नंबर हैं और उनके चैप्टर्स के नाम है, उनके सब चैप्टर्स के नाम है, उनका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहता। तो यहीं पर ये बोल रहा है कि जो टाइटल्स ऑफ सेक्शन चैप्टर्स मतलब ऑब्वियसली सेक्शन टाइटल सेक्शन चैप्टर्स चैप्टर नंबर सब चैप्टर्स हेडिंग ये सब इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये सब की लीगल वैलिडिटी है। बट जो हम उसको नाम दे देते हैं, जो सेक्शन का टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपका सेक्शन 141 आ रहा है तो हम उसका नाम दे रखे हैं कि 141(3) से हमारा डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, बट बेसिकली ऐसा कोई टाइटल नहीं है। तो वैसे यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो टाइटल ऑफ द सेक्शन है वो हम अपने रेफरेंस पर्पस के लिए दे रखे हैं, उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, और पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए है। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में यही बोला है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रूल वन। तो यहाँ पे यही बोलना है कि जो जनरल इंटरप्रिटेशन में हमको जो टाइटल ऑफ सेक्शन रहता है, चैप्टर्स रहते हैं, सब चैप्टर्स रहते हैं, और इज ऑफ रेफरेंस के लिए है, लीगल पर्पज़ के लिए नहीं है। लीगल पर्पज़ के लिए हम हेडिंग देखेंगे, सेक्शन देखेंगे, चैप्टर नोट्स देखेंगे, दस ये हमारे लिए यूज़ नहीं आता है, हम जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। रूल टू में बेसिकली दो सब रूल है, 2A एंड 2B। 2A क्या बोल रहा है, अगर आपका कोई भी आर्टिकल इनकम्प्लीट है या अनफिनिश्ड है तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ कम्प्लीट या फिनिश गुड्स, बट प्रोवाइडेड उसका जो एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए,
ठीक है, जैसे कार बन चुका है बट उसमें जो सीट्स हैं वो लगे नहीं हैं, बट स्टिल वो एक कार है, तो उसको हम कैरेक्टर कर सक, अगर आपको आपको ये देखना है कि क्या रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा एक कार विदाउट सीट में, तो आप कहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे, कहाँ पे जाएंगे शेड्यूल में, कार में जाएंगे, क्योंकि उसका एसेंशियल कैरेक्टर्स हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है, बस सीट नहीं लगी है, तो कार विदाउट सीट इज ऑल्सो ए कार। तो यहाँ पर हमको यही बताया गया है कि हाँ, प्रोवाइडेड दैट इट प्रेजेंटेड द इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड आर्टिकल हैज़ द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द कम्प्लीट और फिनिश्ड आर्टिकल में, ठीक है, इट शुड ऑल्सो भी टेकन टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू दैट आर्टिकल कम्प्लीट और फिनिश्ड प्रेजेंटेड अन असेंबल और डिसेंबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ अगर रेलवे कोचेस रिमूव कर दिया गया है विदाउट सीट, वुड स्टिल बी अ रेलवे कोचेस, अगर रेलवे कोचेस में हमारे सीट्स नहीं है तो स्टिल वो एक रेलवे कोचेस होगा, कार विदाउट सीट स्टिल एक कार होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल 2B में आ जाते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस विद अदर मटेरियल एंड सब्सटेंसेस। रूल 2B में आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया कि जो भी मिक्सचर या फिर कोई भी सब्सटेंस को हम अलग अनदर मिक्सचर या कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हम क्लासीफाई करेंगे एज दैट मटेरियल या सब्सटेंसेस। यहाँ पे एग्जाम्पल देखने से समझ में आएगा कि जैसे अगर नेचुरल रबर है तो वो उसमें मिक्सचर रहता है नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर को, बट स्टिल हम उसको नेचुरल रबर बोलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे ये बोल रहा है, एनी रेफरेंस टू मटेरियल ऑफ सब्सटेंस वुड रिफर टू मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मटेरियल सब्सटेंस, और एनी रेफरेंस टू गुड कंटेनर पर्टिकुलर मटेरियल और सब्सटेंस वुड रेफरेंस टू अ गुड कंसिस्टेंट होली और पार्टली ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल सब्सटेंसेस। क्लियर है? अच्छा, ये वाला पढ़ना छोड़ देना। यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपका जो एसेंशियल कैरेक्टर्स वाला था तो अगर आपको कुछ माइनर एडजस्टमेंट करना है तो ही हम मानेंगे कि उसका एसेंशियल कैरेक्टर हो गया, अगर आपको मेजर चेंजेस करना है, मेजर एडजस्टमेंट करना है तो हम नहीं मानेंगे। मतलब सिर्फ कार में सीट लगाना बाकी है तो उसको माइनर एडजस्टमेंट मान लेंगे, बट अगर आपको कार में इंजन बनाना बचा है, आपकी बॉडी नहीं बनी है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत बस मटेरियल असेंबल हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि आपका एसेंशियल कैरेक्टर्स असेंबल हो गए हैं, ठीक है, माइनर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया है कि मेजर प्रोसेसिंग जैसे टर्निंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, ग्रोव कटिंग, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट, ये सब है, तो इसका दैट ये सब बचा है, दैट डजंट मीन कि आपका एसेंशियल कैरेक्टर खत्म हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 बताएगी कि हम गुड्स क्लासिफिकेशन, गुड्स गुड्स आर क्लासिफाइड अंडर 2 or more हेडिंग्स। कुछ कुछ गुड्स होते हैं ना वो 2 or more हेडिंग्स में क्लासीफाई हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से रेट ऑफ ड्यूटी हमको लगानी है, तो इसमें कुछ 3 बातें बताई गई है। सबसे पहले हमको स्पेसिफिक, अगर हमारा कोई स्पेसिफिक सेक्शन है तो और एक जनरल सेक्शन है तो ऑब्वियसली हम स्पेसिफिक सेक्शन ट्रिवल करेगा ओवर द जनरल सेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, एंड थर्ड हम देखेंगे लेटर द बेटर। लेटर द बेटर कैसा है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट केस का है हमारा कि इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन वॉज क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग 2 हेडिंग्स। सबसे पहले शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स में आ रहा है, सेकंड है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस विद सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऑब्वियसली कौन सा स्पेसिफिक है, हेडिंग नंबर 85.10 ज़्यादा स्पेसिफिक है एज कम्पेयर टू 8509 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका हेयर क्लिपर शेवर के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल कैरेक्टर्स का बताया कि एसेंशियल कैरेक्टर्स के लिए भी हमारे पास जैसे कि लीड पेंसिल विद एन इरेजर एट द बैक, दो द एवर प्रोडक्ट इज कंपोजिट गुड्स, मतलब उसमें आपके पास पेंसिल भी मिल जाएगी, आपको इरेजर भी मिल जाएगा, बट उसका जो एसेंशियल कैरेक्टर है वो आपका पेंसिल है, देयरफॉर अगर हमको उसको इंटरप्रेट करना है तो हम उसको एज अ पेंसिल इंटरप्रेट करेंगे, ना कि एज अ रबर या ना कि एज अ कंपोजिट गुड, ठीक है। एंड थर्ड आपको बताया है लेटर द बेटर में, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि मोटर कार्स एंड अदर व्हीकल्स जो कि प्रिंसिपली डिजाइन है ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन के लिए, दैट इज 8703 में आ रहे हैं, एंड 8704 में आ रहे हैं मोटर व्हीकल्स जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए मेंट करता है। तो आपको देखना है लेटर मतलब बाद में कौन सा है 8704, तो उसमें आप क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अब आते हैं रूल 4, दैट इज एकिन रूल। इसमें बोलता है कि गुड्स जो कि नॉट क्लासिफाइड अबव शैल बी क्लासिफाइड इट्स गुड्स विच आर मोस्ट अकिन, मतलब मोस्ट सिमिलर, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा सिमिलर हो रहे हैं। ओके, तो इसका यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है एग्जांपल, एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्जांपल्स पढ़ के जाना, क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ में एग्जांपल पूछ सकता है एंड फिर आपको रेफर करना रहता है, राइट। तो एग्जांपल में यहाँ पे है कि प्लास्टिक फिल्म्स को हम यूज़ करते हैं फिल्टर के लिए, यूज टू फिल्टर और रिमूव द ग्लेयर ऑफ द सनलाइट पास्ड ऑन कार ग्लासेस, विंडो पेंस एक्सेट्रा। तो इसका कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है टेरिस शेड्यूल में, हाउएवर यहाँ पे हमको बिल्डर वेयर्स या प्लास्टिक नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड में हमको जैसे शटर्स,
जो हमको मतलब लाइक सनलाइट लाइन से बचाता है या ब्लाइंड्स, वो सब इंक्लूड होता है. तो यहाँ पे दो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, पर उसका सिमिलर हमारा इसमें हमको यहाँ 3925300 में मिल जाएगा. तो हम उसको रूल 4 के हिसाब से उसमें इंटरप्रेट कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट रूल 5. रूल 5 में भी दो केसेस है. तो पहला वाला क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस या कंटेनर्स जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ गुड्स. तो सपोज आपने चश्मा मंगवाया अपने लेंस कार्ड के साथ, लेंस कार्ड से एक स्पेक्स मंगवाया है, अब वो आपको एक लेंस कार्ड के बॉक्स में ला के देगा, तो वो जो केस में ला के देगा उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे. तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सच आर्टिकल, मतलब हम हमारे स्पेक्स के आर्टिकल, स्पेक्स को मेन आर्टिकल मानेंगे और उसी में हम हमारे स्पेक्स केस को भी क्लासीफाई करेंगे, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए. ये दो कंडीशन है कि जो भी केसेस एंड कंटेनर्स हैं वो स्पेसिफिकली शेप्ड होना चाहिए या फिटेड होना चाहिए, तो वो हमारे स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए हो, मतलब वो मतलब एक वो एक स्पेक्स केस रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर सा या एक रेक्टेंगल सा बड़ा सा बॉक्स में आपको चश्मा ला के दे दिया, ठीक है. एक उसका मतलब स्पेसिफिकली फॉर द स्पेक्स वो केस होना चाहिए, और जो ये केस या जो कंटेनर्स हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सूटेबल रहना चाहिए एंड प्रेजेंटेड विद द आर्टिकल फॉर विच दे आर इंटेंडेड, ठीक है. तो दिस रूल डज नॉट हाउएवर अप्लाई टू कंटेनर्स विच गिव द होल ऑफ इट्स एसेंशियल कैरेक्टर, ठीक है. तो ये समझ में आया कि यहाँ पे एग्जांपल दिए कि कैमरा केसेस या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट केसेस, गन केसेस, ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट, नेकलेस केसेस एंड सिमिलर कंटेनर्स शैल बी क्लासिफाइड विद अ स्पेसिफिक आर्टिकल और सेट ऑफ आर्टिकल विद वन ऑफ अ काइंड नॉर्मली सोल्ड देयर विद, ठीक है. एंड बी क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग कंटेनर्स. तो यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ए, पैकिंग मटेरियल्स एंड पैकेजिंग कंटेनर प्रेजेंटेड विद अ गुड देयर इन शैल बी क्लासिफाइड विद द गुड्स इफ दे आर ऑफ अ काइंड नॉर्मली यूज फॉर पैकेजिंग सच गुड्स. हाउएवर दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई. तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी गुड्स को हम प्रेजेंट कोई भी पैकेजिंग को हम प्रेजेंट कर रहे हैं विद गुड्स को, तो वो क्लासिफाई होगा विद नॉर्मल काइंड जो हमने पहले पढ़ा. हाउएवर अगर वो जो कंटेनर है या वो जो पैकेजिंग है वो अगर रेपिटेटिव यूज़ हो रहा है तो उसको हम इसमें क्लासिफाई नहीं करेंगे. यहाँ पे हम एनालिसिस में अगर इसका एक्सेप्शन देखें रूल 5 का, तो यहाँ पे आपको जैसे गैस सिलेंडर्स है, गैस सिलेंडर का क्या होता है, गैस के साथ आता है, तो जब वो ख़त्म हो जाता है हम उसको वापस दे देते हैं, वो रिफिल होकर आते हैं, तो वो रेपिटेटिव यूज़ के होते हैं, देयरफॉर उसको हम क्लासिफाई नहीं करेंगे अलॉन्ग विद द गैस, ठीक है. एंड ड्यूरेबल कंटेनर्स कैपेबल ऑफ रेपिटेटिव यूज विल बी क्लासिफाइड सेपरेटली, उसको हम सेपरेटली क्लासिफाई करेंगे. एंड फर्स्ट वाला जो था उसमें ये लेदर केस का एग्जांपल दिया है, ठीक है. एंड लास्ट है रूल 6, दैट सब हेडिंग्स ऑफ सेम लेवल आर कंपेरेबल. तो यहाँ पे फॉर लीगल पर्पज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सब हेडिंग ऑफ हेडिंग शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ दोस हेडिंग्स एंड एनी रिलेटेड. ओके फॉर एनी पर्पज. हाँ, तो बेसिकली यहीं पे ये बोल रहा है कि जो भी सब हेडिंग्स होंगे सेम लेवल के उसको हम कंपेयर कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि इसके सब हेडिंग और उसके हेडिंग को कंपेयर करें, सिर्फ सेम लेवल के सब हेडिंग्स को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द सेम हेडिंग, ठीक है. तो बस ये चैप्टर में इतना था. एक लास्ट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट के बारे में बताया गया है, तो वो एक बार देख लेती हूँ मैं. तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स क्या होता है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट में सपोज अपने को एक फैक्ट्री बिठाना है, तो उसमें हम अगर मशीन को इंपोर्ट करेंगे पहले, फिर कुछ अपैरेटस, कुछ स्पेयर पार्ट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमको करेंगे, तो वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर हेड करेगा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगा, जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है सेटअप करने का या किसी भी फैक्ट्री यूनिट को एक्सपेंड करने का वो बढ़ता जाएगा, ठीक है. तो उसके लिए क्या हुआ है, सबको क्लब कर दिया है. मैं रीड कर लेती हूँ फिर अपन समझेंगे. इतना प्रोजेक्ट इंपोर्ट आर द इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस फॉलोइंग अंडर डिफरेंट क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल सेटअप ऑफ ए यूनिट और फॉर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन. इधर आपको नया नया फैक्ट्री यूनिट बैठाने हैं या फिर आपको आप बैठा रखे हैं, आपको उसको एक्सपेंड करना है. इन अ प्रोजेक्ट सेवरल डिफरेंट आइटम्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें डिफरेंट रेट में हमको आइटम को इम्पोर्ट करना पड़ता है, हेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट. एंड देयरफॉर एक कंसोलिडेटेड रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लग जाता है फॉर ऑल द आइटम्स जो कि हम इंपोर्ट करते हैं अंडर अ प्रोजेक्ट. तो अगर एक प्रोजेक्ट में अगर हम सारे आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उसमें एक कंसोलिडेटेड रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लग जाता है. इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या उस गुड्स का नेचर है, क्या उसकी कस्टम क्लासिफिकेशन है. फर्दर इंडिविजुअल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विल अप्लाई इवन फॉर द आइटम ग्रुप अंडर सेम. तो यहाँ पे बेसिकली आपको बस अवेयरनेस दे रहे हैं, मतलब आपको जागरूक कर रहे हैं कि आपको मतलब
बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि अगर आपको फैक्ट्री बिठाना है और आपको इंपोर्ट करना है तो रेदर देन आपको जो इंडिविजुअल सामान मंगाओगे अंडर ए प्रोजेक्ट, आप सब सामान आपको जो चाहिए उसको इंपोर्ट कर लो, हम एक ही कस्टम रेट में सारे कर देंगे। हाउएवर जो आपको बेनिफिट थ्रू गवर्नमेंट मिले, दैट इज़ जो आपको एग्जेम्पशन, अगर किसी भी इंडिविजुअल आइटम में अगर आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है तो वो एग्जेम्पशन हम आपको क्लेम करने ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप साथ में मंगा रहे हैं तो इसमें साथ ऑफ रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगेगा और एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल में एग्जेम्पशन लगेगा तो हम आपको एग्जेम्पशन क्लेम करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसको हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट बोलते हैं। फर्दर इंडिविजुअल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विल अप्लाई इवन फॉर द आइटम ग्रुप अंडर द सेट हेडिंग ऑफ द कस्टम टैरिफ लायबल टू ड्यूटी एट द प्रोजेक्ट एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। द आइटम एलिजिबल फॉर प्रोजेक्ट इम्पोर्ट आर स्पेसिफाइड इन हेडिंग 9801। तो आपको ये हेडिंग जरूर याद रखना है कि हेडिंग 9801 में हमारा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट के बारे में आता है। दिस इंक्लूड ऑल द आइटम ऑफ मशीनरी इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस अप्लायंसेस कंपोनेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो कि हम यूज़ करते हैं इनिशियल सेटअप के लिए या फिर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के लिए। जो स्पेयर पार्ट्स है, जो रॉ मटेरियल और जो कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं वो अप टू 10% ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स होने चाहिए, ठीक है। दिस स्कीम हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल प्लांट्स इरीगेशन। किसको किसके लिए ये प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स वाला है? इंडस्ट्रियल प्लांट्स बिठा रहे हैं, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स अगर आप कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट हमेशा पावर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी इंसेंटिव्स देता है, तो माइनिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ऑयल के लिए, जिसमें बेसिकली जिसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा वो, या जिसमें कंट्री को फ़ायदा हो रहा है उसमें आपको ये सब मिलेगा, मिनरल एक्सपोर्टेशंस और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उसके लिए, ठीक है। ओके, तो या दैट्स इट। अभी ये सब जो केस स्टडीज़ आई डोंट थिंक वो इंपॉर्टेंट हैं इतने, एक प्लेन रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा। अब जो टेस्ट नॉलेज है, क्वेश्चन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय।